बच्चों की समर वेकेशंस का इंतजाम हो चुका है। इस बार बच्चे अपने समर वेकेशंस में ये नहीं कहेंगे कि मम्मी पापा चलो कहीं घूम कर आते हैं, बल्कि वो लोग जिद करेंगे ये मूवी देखने की, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जानना चाहते हो मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जिस मूवी की हम लोग बात करने वाले हैं, वो मूवी एक्चुअली में एक इंडियन एनिमेटेड कार्टून है जो इंडिया के हर घर में आता था और इंडिया के हर बच्चा इस कार्टून को बहुत प्यार करता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया राजीव चिल्का ने और उन्होंने उठाकर इस कार्टून को एक मूवी बना डाली। ये कार्टून और कोई नहीं, ये कार्टून है छोटा भीम, और उसकी आने वाली मूवी है द छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ द दमयन। नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस बार ये छोटा भीम आपको किसी दमयन नाम के राक्षस से लड़ता नजर आएगा। लेकिन ये दमयन क्या है, कैसा राक्षस है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं नीरज विक्रम। इस मूवी में आप लोगों को एक बार फिर देखने को मिलेगा एक फिक्शनल सा विलेज ढोलकपुर, और ढोलकपुर को बचाते नजर आएंगे छोटा भीम। छोटा भीम ढोलकपुर के इकलौते मसीहा हैं जो ढोलकपुर को अजीब गरीब घटनाओं से बचाते हैं। ढोलकपुर एक ऐसा राज्य जहां पर शांति का माहौल था, पर इस प्यार भरे राज्य पर कुछ बुरे लोगों की नजर पड़ी। शांति तबाही में बदल चुकी थी। इस बार ढोलकपुर में कोई छोटी मोटी घटना नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा साया फैलने वाला है, और वो साया फैलेगा एक बहुत बड़े सर्प राक्षस दमयन का। इस बार ये छोटा भीम ढोलकपुर को बचाएगा बहुत बड़े सर्प राक्षस दमयन से, और दमयन से लड़ता हुआ नजर आएगा। थराएगा इंसान, राज करने आएगा अब दमयन। ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि छोटा भीम ना केवल दमयन राक्षस से लेकिन एक बहुत बड़े टाइगर से भी लड़ता हुआ नजर आएगा। खैर, जो मूवी का ट्रेलर है वो देखने में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसे देख के साफ पता लग रहा है कि छोटे भीम ने तो बच्चों को अट्रैक्ट करा ही करा था, लेकिन ये मूवी बड़ों को भी अट्रैक्ट करने वाली है। और जिस मूवी के VFX है वो काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर के VFX बहुत अच्छे हैं। खैर, ये सब पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी। तो न्यूज के अकॉर्डिंग ये मूवी मई 2024 में थिएटर्स पर आ जाएगी। हनुमान मूवी की सक्सेस के बाद अब आ रहा है छोटा भीम आप लोगों के लिए एक्शन सिक्वेंसेज लेकर। छोटा भीम एक 9 साल का छोटा सा बच्चा है जो कि ब्लेस्ड है सुपर पावर से। उसको सुपर पावर मिली है जो कि गॉड गिफ्टेड है। छोटा भीम को सुपर पावर्स मिलती है एक छोटा सा लड्डू खाने से। वो लड्डू खाता है और वो चार्ज हो जाता है। इस मूवी में आप लोगों को अनुपम खेर भी नजर आएंगे जिन्होंने रोल प्ले करा है गुरु शंभू का। न्यूज अकॉर्डिंग ये है कि अनुपम खेर का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, छोटा सा रोल है मूवी में। खैर, ट्रेलर में मैंने अनुपम खेर को देखा था, और देखने के बाद अनुपम खेर मुझे इस गुरु शंभू के गेटअप में बहुत अच्छे लग रहे थे। खैर, वेट करते इस मूवी के आने का, क्योंकि ट्रेलर तो काफी अच्छा लग ही रहा है। अब देखते हैं कि ये मूवी आने के बाद क्या कमाल दिखाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।